कभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी सैफई चौराहा पर खड़ा हूँ और यहाँ पे देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा सैफई अभी दुख में है और आप लोग, ये आप लोगों को साफ नज़र आ रही होगी, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी सैफई में। और क्योंकि जो सैफई का नाम हुआ है वो मुलायम सिंह यादव, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं की वजह से पूरी सैफई का नाम आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो कि सैफई इटावा जिला का एक हिस्सा है, सैफई इटावा में पड़ता है। तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, सभी की दुकान सब वगैरह सब कुछ बंद है, पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन से देख सकते हैं, मैं आपको लगातार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से पूरी जानकारी दे रहा हूँ, पूरी सैफई की लाइव कवरेज कर रहा हूँ, सभी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। और देखिए अभी मैं सैफई चौराहे पर खड़ा हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं और चारों तरफ पुलिस बल तैनात हो रहा है। और क्योंकि नेताजी का आने का इंतज़ार है, उनका पार्थिव शरीर सैफई लाया जाएगा। और उससे पहले ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप यही देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी सैफई में, सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ है। क्योंकि सैफई, अगर आपने सैफई सुना है तो सैफई नेताजी के ही वजह से आपने सैफई नाम सुना होगा। सैफई एक गांव है और गांव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं, बहुत कम निकले हैं, बस पुलिस ही पुलिस चारों तरफ दिखाई दे रही है और पुलिस बल काफ़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। और देख सकते हैं आप लोग, अभी मैंने आपको जहाँ नेताजी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा वहाँ की भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दी है।